क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली जैसे शहर के अंदर वाल्मीकि समाज के लोग गटर वगैरह के अंदर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है, और उसके बावजूद भी सरकारें सुनने वाली नहीं है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं बीच में कहते कहते रुक गया, क्योंकि जो केजरीवाल साहब ने मैनिफेस्टो बनाया उसमें इन्होंने लिखा था कि काम का जो डेथ हो जाएगी सफाई कर्मचारी की, वो करते हुए सफाई करते हुए गटर वगैरह में, तो उसको 50 लाख रुपए देंगे, उसके परिवार को एक नौकरी देंगे, वो रिटर्न में है पूरा, और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वो सब चीज़ें देंगे। तो इन्होंने उसको इंप्लीमेंट तो नहीं किया, और उल्टे जो वो पुलिस वाले जो कुछ मर रहे हैं तो उनके घर जा जा के 1 1 करोड़ रुपये दे के आ रहे हैं, उसको उल्टा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि अभी आज के दौर में कि ये अभी जो सफाई का काम खाली वाल्मीकि समाज नहीं कर रहा है, अभी तो बहुत सारे परिवर्तन है, वाल्मीकि समाज बहुत आगे निकल चुका है। जो 4 मौत अभी पटेल नगर में वहां पर हुई थी, 4 मौतें, उसमें से एक मुस्लिम समाज का लड़का था सफाई कर्मचारी, एक ओबीसी समाज का था, एक ब्राह्मण समाज का था, और एक वाल्मीकि समाज का था। अब रेशो समझो आप कि 3 में 4 में 1, तो अभी वाल्मीकि समाज के नौजवान में बड़ी अवेयरनेस आ गई है, और वो समझ रहे हैं कि हम भैया कहीं दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाएंगे इज्जत से, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। अब भारी चेंजेस है, लेकिन जो लोग ठेके पे काम कर रहे हैं 10 साल 15 साल से कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई इनको परमानेंट कराओ, क्योंकि 40 40 50 50 हजार रुपए जब ये कमाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और ये सफाई के काम से दूर करेंगे। तो हमारी दोहरी रणनीति है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज अभी बहुत अवेयर हो चुका है, अभी हमारे पहलवान भी हैं वाल्मीकि समाज के, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं, ट्रेड यूनियन नेता भी हैं, नेता भी हैं, और पूरे यूरोप में तो वाल्मीकि समाज का डंका बनता है, बजता है फूड इंडस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, तमाम वाल्मीकि समाज के कब्जे में है, बड़े बड़े उनके होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स। तो इसलिए वाल्मीकि समाज को अब खाली झाड़ू से ना देखा जाए, अभी अभी तो बहुत बेरोजगारी के कारण दूसरा समाज भी काम कर रहा है, और दूसरा मैं होटल वर्कर्स यूनियन हम चलाते हैं, तो प्राइवेट 5 स्टार होटल्स में जितने भी हाउसकीपिंग में हैं, जो भी रूम्स में और उसमें जो काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं उसमें, तो वो तमाम के तमाम मुस्लिम समाज के हैं या बड़ी गैर जातियों के हैं, वाल्मीकि समाज के आपको इक्का दुक्का मिलेंगे। तो अभी बहुत सारी चेंजेस हैं, मगर हम ये कह रहे हैं कोई भी कर्मचारी काम करे, किसी भी जाति का करे, तो उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। और अभी एक 2013 में मैनुअल स्क्वेंजिंग जो कानून बना था उसको लागू करवाने की बात है कि ये भी मैनुअल स्क्वेंजिंग है, जो गटर में आप भेजते हो मैनुअल तरीके से काम होता है, तो उस काम के विरुद्ध उसके FIR और उसके खिलाफ पेनल्टीज हैं। और SC ST Act को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि जो भी ठेकेदार, जो मैनेजमेंट, जो सरकार, जो भी अधिकारी जबरदस्ती फोर्सफुली किसी को गटर में उतारे, उसके खिलाफ इमीडिएट SC ST Act के तहत उसमें उसको जान से मारने का उसके खिलाफ केस दर्ज हो, और जो मैनुअल स्कैनिंग एबोलिशन जो एक्ट है वो एक्ट 2013, उसको भी हम अभी और ज्यादा प्रचारित कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं नेता खासतौर पर उनको पता रहे, तुरंत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, अपने आप इनको पैसे भी मिलेंगे, उनको अधिकार भी मिलेंगे। मगर देखो सफाई का काम में नया नौजवान आ रहा है, तो ये कोई ना कोई तो काम है, काम तो ये इस देश में हीन भावना से देखते हैं, यूरोप में सफाई के काम को जापान में, चाइना में बड़ी इज्जत से देखा जाता है, क्योंकि ये काम भी एक फौजी से कम काम नहीं है, मगर यहाँ की जो जाति व्यवस्था है इसने इसको बर्बाद किया है। तो और अच्छी बात यह है कि अब तो मोदी जी झाड़ू पकड़ लिए, योगी जी पकड़ लिए, बड़ी बड़ी हीरोइन हीरो झाड़ू पकड़ रहे हैं, तो अब जब झाड़ू ये पकड़ रहे हैं तो अब वाल्मीकि समाज छोड़ रहा है, क्योंकि अब भैया जो तुम्हें जो झाड़ू का जिनका पैसा था वो पकड़ रहे हैं, केजरीवाल साहब पकड़ रहे हैं, दूसरे पकड़ रहे हैं, तो अब भैया हम झाड़ू छोड़ करके अब हम अपनी मेहनत मजदूरी भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, गाड़ी चलाएंगे, चाहे वो अपने केले बेचेंगे, मूंगफली बेचेंगे, हम कुछ भी करेंगे, मगर झाड़ू का काम नहीं करेंगे, हमारा मिशन है। और अगले 5 साल में आप ये देखोगे जो कुछ परसेंट लोग रह भी गए हैं, तो उन उन परसेंट लोगों को भी जो हमारा मिशन है उनको झाड़ू के काम से वाल्मीकि समाज के का उसको हम समाज को उससे मुक्त करवाएंगे, ये हमारा मिशन है, इसको हम चलाएंगे। आप थे अशोक ज्ञानी जी, जिन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज अभी ये काम बिल्कुल छोड़ चुका है, और जो रहा बचा है वो भी बहुत जल्दी से छोड़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे राजनीति लोग वगैरह इस झाड़ू की मुहिम में आ गए हैं, तो कहा कि अब जब इन लोगों ने झाड़ू पकड़ ली है तो हम लोग बिल्कुल झाड़ू छोड़ देंगे। अशोक जी, SM News से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।